हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी। आज हम लोग बात करेंगे विराम चिन्हों पर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम। ठीक है, देखिए पूर्ण विराम, अर्धविराम, विराम और अल्पविराम। पूर्ण विराम विस्मयादिबोधक, और नकारात्मक सॉरी प्रश्नवाचक। ये इन दोनों वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और अर्धविराम पूर्ण विराम की अपेक्षा अगर हमें थोड़ा सा रुकना हो, मतलब पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? अर्धविराम का। लेकिन देखिए पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज़्यादा, ठीक है? पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा अगर हमें रुकना हो तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम जहाँ पे अर्धविराम की अपेक्षा और भी कम रुकना हो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। कल एक बड़ा दिन है, मैं इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती। देखिए कल एक बड़ा दिन है, अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा विराम लेना चाहते हैं लेकिन अभी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अर्धविराम लगाएंगे। उसके बाद मैं इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती, अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है? वैसे ही अल्प विराम में हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के अगर कई शब्द आएँ तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। जैसे राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, ठीक है? ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आम के बाद हमने कॉमा, अमरूद के बाद कॉमा, ऐसे करके लगा दिया है, ठीक है? देखिए अल्प विराम जो है और भी जगहों पर यूज होते हैं, जैसे कि हम बोल दें हाँ तुम आ जाओ, नहीं मत जाओ, वैसे ही कुछ शब्द हैं जैसे वस्तुता, अता, बस, ठीक है? ये ऐसे कुछ शब्द हैं और भी हैं जिनके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की, ठीक है? जैसे कि ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे हम प्रश्न करेंगे या हमें किसी प्रश्न का बोध होगा वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे क्या वह आया है, ठीक है? और जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कभी कभी इसका मतलब प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसका प्रयोग हम कभी कभी संदेह प्रकट करने के लिए भी करते हैं। जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसको उसके निष्ठावान होने पर प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अब विस्मयादिबोधक चिन्ह पे। देखिए विस्मयादिबोधक की अगर बात करें तो विस्मयादिबोधक विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, ठीक है? विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, ऐसे कुछ मतलब भाव होते हैं, उनका बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं? विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हाय, बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने हाय के बाद क्या हम थोड़ा सा मतलब
विस्मय प्रकट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, हाय बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अरे तुम कब आए, ठीक है। और जैसे वह तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो देखिए दोहरा इन्वर्टेड कॉमा को अगर देखें, सॉरी दोहरा अवतरण को अगर हम देखें, इसे पुनरुक्ति सूचक भी कहते हैं। इसमें क्या है, अगर हम किसी कथन को वैसा ही लिखना चाहते हैं जैसा वो है, जैसे किसी का स्टेटमेंट हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। वैसे ही देखिए तो अगर हम वाक्य पे, अगर मतलब कभी कभी होता है हम वाक्य पे जोर देना चाहते हैं, ठीक है, तो भी हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। तो हम ईदगाह पे जोर देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। क्या हुआ, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। अगला है हमारा योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हम जैसे तुलनावाचक शब्द के पहले लगाते हैं, जैसे चांद सा, ठीक है, चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, ठीक है। ऐसे शब्दों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लाभ हानि, ये तुलनात्मक शब्द जैसे हो जाएंगे ना, लाभ हानि, जय पराजय, ठीक है, माता पिता, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके बीच में हम क्या योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह, ये चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। योजक चिन्ह क्या होता है, हम ऐसे लगाते थे, निर्देशक चिन्ह भी ऐसा है, लेकिन ये क्या है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो जैसे संवादों को लिखने के लिए, जैसे रमेश, जैसे हम कोई काव्य लिखते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे रमेश ने क्या कहा, रमेश कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। वैसे ही फिर अगला बोलेगा, जैसे मान लो पॉल है, तो पॉल कहता है मैं आगरा जा रहा हूँ, फिर रमेश फिर कुछ कहेगा तुम कब आओगे, फिर ठीक है तुम कब आओगे, फिर पॉल उसको बताएगा मैं परसों शाम तक आऊँगा। तो ऐसे संवादों में हम क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं कि किसने कहा, ठीक है, रमेश के आगे हमने लगाया, तो रमेश ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, फिर पॉल ने उत्तर दिया, फिर रमेश ने, फिर पॉल ने, तो क्या है इनके बीच जो संवाद हुआ है, ठीक है, उसमें हम बीच में क्या योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे रेखांकन, ठीक है। रेखांकन क्या, किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को, ठीक है, ठीक है, किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को हम क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं, तो वही क्या हो जाता है हमारा रेखांक। जैसे गोदाम, उपन्यास प्रेमचंद्र की लिखी करती है, ठीक है। जैसे अब क्या, हम यहाँ पे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखी करती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गोदान, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, तो हम इसको क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे, तो ये हमें मतलब
ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण शब्द हो उसको रेखांकित करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे रेखांक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं कोष्टक की। कोष्टक की बात करें तो हम कोष्टक को वहाँ पर मतलब यूज़ करेंगे जहाँ पे मतलब हमें लगेगा कि जैसे हम जो लिख रहे हैं और मुख्य भाग मतलब जो हम लिख रहे हैं उस वाक्य का कोई क्या हो, प्रमुख अंग हो। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने लिखा धर्मराज। ठीक है, तो धर्मराज को हम धर्मराज किसके लिए बोल रहे हैं, युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, तो देखिए हमने एक वाक्य लिखा है और उसके वाक्य का ही एक अंग है। ठीक है, मुख्य अंग जो है उसको हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धर्मराज यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर की। तो हम युधिष्ठिर को उसके ही साइड में क्या करेंगे, कोष्ठक में लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे समय पर क्या हम किसका प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें हंस पद, हंस पद विराम चिन्ह में क्या होता है, इसे हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और हमारा कुछ छूट जाता है तो हम उसे त्रुटि बोधक चिन्ह से उसको दोबारा लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे धर्मराज सत्य धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ अधूरा लग रहा है, हम और लिखना भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, त्रुटि बोधक चिन्ह का यूज़ करेंगे इस तरीके से और ऊपर लिख देंगे क्या, और अब देखिए सेंटेंस सही लगेगा, धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह हम कहाँ लिखते हैं, जैसे कि किसी शब्द को हम अगर उसका संक्षिप्त रूप लिखना चाहें। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तर प्रदेश, वैसे ही मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी वाक्य को छोटा करके लिखना चाहते हैं। ठीक है, तब हम वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोप चिन्ह की अगर बात करें तो यह लोप चिन्ह में हम ऐसे मतलब डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या होता है, लिखते समय अगर हम कुछ अंश छोड़ कर लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एग्जांपल लें, तो जैसे राम ने श्याम को डैश 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 कहा। ठीक है, वैसे ही मैं तो ठीक हूँ लेकिन लेकिन क्या, अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं वैसे ही क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोप चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं विवरण चिन्ह। देखिए विवरण चिन्ह की बात करें तो ये ऐसा लगता है, जब हम कुछ किसी चीज़ को अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम संज्ञा की बात करें, संज्ञा, अब हम संज्ञा को डिस्क्राइब करेंगे तो हम यहाँ पे विवरण चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे, जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा तिर्यक, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा यानी तिर्यक रेखा, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैश, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इसको हम या अथवा ऐसे कुछ शब्द होते हैं उनके लिए लगाते हैं हम क्या, स्लैश लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले आओ। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक चीज़ की बात, चाय या कॉफ़ी की बात करें, हम क्या करेंगे यहाँ पे तिर्यक रेखा का यूज़ करेंगे। ठीक है, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले आओ। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तुल्यता सूचक, ठीक है ठीक है, ये इक्विवेलेंट, ठीक है, जैसे समानता सूचित करने के लिए या हम क्या करते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे अच्छा बुरा, जैसे 2+3=5, ये सब क्या है तुल्यता सूचक का प्रयोग ऐसे जगह पर किया जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारा योग। योग का हिंदी में प्रयोग सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कहाँ पे, संधि में, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि योग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम संधि में अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या मैं से लिखते हैं, ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह में क्या होता है कि जैसे हम क्या लिखेंगे को, ठीक है, अगर ये लग जाता है तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बोलते हैं को पी, यहाँ पे को अपी, इसका उच्चारण जो होगा वो को अपी करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे चीज़ों में दीर्घ उच्चारण शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगला है हमारा पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह इस तरीके से, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसको दोबारा लिखना हो और दोबारा ना लिखकर हम क्या करते हैं पुनरुक्ति चिन्ह का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई सामान की लिस्ट बना रहे हैं, अगर कुछ हमें मार्केट से लाना है तो हमने मान लीजिए सब्जी मंगाना है, हमने लिख दिया गाजर 1 kg, ठीक है, वैसे हमने क्या लिख दिया फिर आलू ले लेते हैं, इसको भी अगर हमें 1 kg लिखना है तो यहाँ 1 kg ना लिखकर हम क्या करेंगे पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही बैगन 1 kg, ठीक है, इस तरीके से पुनरुक्ति चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला है समाप्ति सूचक, जब हम कुछ लिखते हैं और उसका अंत करते हैं तो वहाँ पे हम क्या समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है द एंड, कई जगह पे हमें इस तरीके से भी देखने को मिलता है, कई जगह पर हम ऐसे स्टार लगा देते हैं और कई जगह पर इस तरीके से भी बना देते हैं, लेकिन एक्यूरेट सबसे ज़्यादा क्या है ये हमारा क्या है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।